हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द बेस्ट प्रेजेंट ऑफ क्रिसमस। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। देन सम फिर क्या होता है कि जो जर्मन कैप्टन है हंस वॉल्फ और जो ब्रिटिश कैप्टन है जिम मैकपर्सन, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। दोनों जो जिम मैकपर्सन होता है वो क्या शेयर करता है हंस वॉल के साथ, मार्जिपेन शेयर करता है, केक शेयर करता है, और उसको मार्जिपेन बहुत अच्छा लगता है। किसको पसंद आता है? हंस वॉल्फ को, जो किसके द्वारा बनाया गया था केक, जो जिम मैकपर्सन की वाइफ के द्वारा केक बनाया गया था। अब जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, वो कहता है फिर पता नहीं कौन क्या लेके आया, एक फुटबॉल लेके आया है। ग्रेट कोर्ट वर ड्रम्प इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टोमी अगेंस्ट रीच आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फिट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। अब देखो वो फुटबॉल खेलते हैं, वो कहता है कि जो ग्रेट कोर्ट्स वाला था आदमी वर ड्रम्प इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, वो गोल बनाते हैं। देर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड अवर ब्रिथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ही सा इट वॉज टू एंड स्माइल्ड जिम मैकपर्सन। ही सेड आफ्टर ए व्हाइल आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर ए फुटबॉल मैच। अब वो क्या कहता है कि जिम मैकपर्सन ही सा इट टू एंड स्माइल, वह भी इसे देखता है, मतलब आपस में जो जर्मन सोल्जर हैं और जो ब्रिटिश सोल्जर आपस में फुटबॉल मैच खेल रहे हैं उनको देखते हुए जो हंस वॉल्फ है वो क्या कहता है, आई थिंक बोलता है, स्माइल करता है जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, इसके बाद भी बोलता है आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर, हम इस वॉर को ख़त्म कर सकते हैं ए फुटबॉल मैच, किसके द्वारा, मतलब हम जो झगड़ा है वो समाप्त भी कर सकते हैं युद्ध की बजाय फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, युद्ध में तो सैनिक मरते हैं, घर उजड़ते हैं, मतलब, लेकिन फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ बिकम विडोज, और कोई भी औरत विधवा नहीं होगी, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। आई वुड परफेक्ट क्रिकेट, हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग और प्रोबेबली, और शायद फिर हम टॉमीज, मतलब हम ब्रिटिश जीत जाएंगे तुमसे, मतलब क्रिकेट में या फुटबॉल में मैच में हम टॉमीज तुमसे जीत जाएंगे। ये किसने बोला? ये जिम मैकपर्सन ने बोला। किसको? ये दोनों कौन बातें कर रहे हैं? हंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन। वी लव्ड एट, अब वो कहता है ये कहते हुए ना हम हंसते हैं। वी लव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम दोनों गेम देखने लग जाते हैं। सेट टू से, ये कहते हुए, सेट टू से मतलब उदास होते हुए, उन्हें पता है कि क्या है, वो दोनों आपस में एनिमीज हैं और ये तो क्या है, वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हैं। कोनी फ्रिट्स वॉन, अब क्या बताता है, सेड द कोनी, अब जो जिम मैकपर्सन है ये सारी बातें किसमें लिख रहा है, अपनी वाइफ कोनी को लेटर में बता रहा है। फ्रिट्स वॉन, वैसे तो फ्रिट्स जीतते, फ्रिट्स कौन, जो जर्मन सैनिक थे वो जीतते 2-1, क्योंकि उन्होंने 2 गोल बनाए थे, 1 इनकी तरफ से था, 2 गोल्स उनकी तरफ से। बट एज हंस वॉल्फ जेनरसली सेड, लेकिन हंस वॉल्फ ने उदारता दिखाते हुए बोला, अवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, हमारा गोल बड़ा था किससे, मतलब देन देयर्स, तुम्हारे से, सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये फेयर नहीं था। द टाइम केम, अब वो समय आ गया था, एंड ऑल टू सून, और जल्दी ही इस समय आ गया, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम ख़त्म हो गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। अब देखो जो स्नैप्स थे, जो उनकी मदिरा थी, ड्रिंक था, जो रम थी, और जो सोसेज क्या होता है, मीट, सोसेज क्या होता है, मीट, पोर्क भी हम इसे बोल सकते हैं, जो मीट और पोर्क था उनका वो ख़त्म होने पर था। एंड लॉन्ग
सिंस रन आउट, अब खत्म हो चुकी थी सारी चीज़ें, फिनिश गेम फिनिश हो गया था एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और मैं हम जानते थे कि सब कुछ खत्म है। आई विस हंस वॉल्फ एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और ये देखकर मतलब हमें लग रहा था कि हम अपनी फैमिली को दोबारा जल्दी ही देख पाएंगे, कहने का मीन्स है कि युद्ध शायद जल्दी खत्म हो जाए, दैट द फाइटिंग वुड एंड, क्योंकि जो लड़ाई चल रही थी शायद वो अंत की तरफ थी, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब अपने घर वापिस जा सकते थे। आई थिंक दैट इज वट एवरी सोल्जर वांट्स, आई थिंक दैट, और मैं ये सोचता हूँ कि हर एक सैनिक यही चाह रहा था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और हम सभी अपने घरों की तरफ वापिस जाएं। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, हंस वॉल्फ सेड टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, हंस वॉल्फ ने क्या बोला कि ध्यान से, जिम मैकपर्सन टेक केयर, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, हम इस मतलब मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा जो उन्होंने क्रिसमस पर जो पार्टी सेलिब्रेट की है, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, नोर योर ना ही तुम इसे भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, वो न चाहती हुई भी उसने मुझे सैल्यूट किया और वहाँ से वो धीरे धीरे चला गया। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेज, और फिर जो ग्रे कोटेड वाले जो जर्मन सैनिक थे, जो फ्रिट्स थे, सारे किसकी तरफ बैक हो गए, अपने ट्रेंचेज की तरफ, अपने खाइयों की तरफ, ट्रेंचेज मीन्स जो सैनिकों के घर थे उनकी तरफ वो वापस जाना स्टार्ट हो गए। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हियर देम सिंगिंग ए कैरोल, कैरोल क्या होता है, जो कैरोल है ये जर्मन सॉन्ग, कैरोल मतलब वो जर्मन में गाना गाते हैं, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, बड़े सुंदर ढंग से वो उसे गा रहे थे, हमें सुनाई पड़ रहा था। इट वाज स्टिल नेट साइलेंट नाइट, मतलब ये जो इसे जर्मन में क्या बोलते हैं, स्लेट नेट और स्टिल नेट और इंग्लिश में साइलेंट नाइट, ये मतलब एक साइलेंट नाइट थी बिल्कुल। अवर बॉयज गिव देम ए राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वर्स्ट, वी एक्सचेंज कैरोल फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, मतलब हमारी तरफ से भी हमारे बॉयज ने क्या किया, कोर्स गाना स्टार्ट किया, अच्छा मतलब गानों ने भी गाना गाना स्टार्ट किया, जो कैरोल था वो मतलब जो कोर्स था वो ग्रुप में गाया जाता था और जो कैरोल था वो मतलब एक्सप्रेशन के साथ दिखा के कुछ कुछ एक्सप्रेशन करके ऐसे गाया जाता है। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर एकदम से चुप्पी छा जाती है। वी हैड अवर टाइम टू पीस एंड गुडविल ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, कहता है ये जो टाइम था, ये जो आज क्रिसमस की जो पार्टी थी दोनों तरफ से, ये पीस एंड गुडविल, ये हमारा एक अच्छा टाइम था, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई, जो मतलब मैं हमेशा एक एज ए मेमोरी के रूप में याद रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। डगआउट्स क्या होता है, देखो ए शेल्टर सोल्डर, जो डगआउट्स होता है ए शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, मतलब डगआउट्स जो सोल्जर के रहने का स्थान है। डियरेस्ट कोनी, अब जिम मेक पर्सन क्या लिखता है आगे लेटर में, डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, वो कहता है कि अब जैसे उसने लेटर लिखा है 26 दिसंबर 1914 को ये लेटर लिखा गया, तो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब क्रिसमस आएगी, नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस आएगी तो ये जो वॉर है ये क्या होगा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मतलब एक टेरिबल मेमोरी के रूप में याद रहेगा, मतलब वॉर एंडिंग पे ख़त्म होने वाला है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोनों ही तरफ से आर्मीज क्या चाहती हैं, शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी ही फिर इकट्ठे होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मतलब जल्दी ही मैं घर आऊँगा, नेक्स्ट क्रिसमस पर मैं घर पहुँच जाऊँगा। ये कौन बोलता है, जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ कोनी को ये लिखता है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, ये लेटर है जो ख़त्म होता है। आई अब कौन है, यहाँ पर नैरेटर है जो हमें स्टोरी बता रहा, जो लेटर को पढ़ रहा था, जिसे ये लेटर कहाँ मिला है, ड्रॉर में मिला है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, अब वो कहता है मैं लेटर को फोल्ड कर देता हूँ एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इंटू इट्स एनोलॉग, इस एनोलॉग के अंदर डाल देता हूँ। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं रात को जागता रहता हूँ, मतलब सोचता रहता हूँ। बाई मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे, मैं जागता हूँ सोचता हूँ मुझे सुबह उठकर क्या करना है। आई डोंट टू ब्रिडपोर्ट, वो कहता है मैं ब्रिडपोर्ट जाऊँगा जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो
थोड़ी सी दूर है, जो मतलब जो पता उस पर लिखा हुआ था जो उस लेटर पर, आई आस्क ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वाज, मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ पर है, हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट। अब वो एक लड़के से पूछ कर जो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था लेटर पर, वहाँ पर वो पहुँच जाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है हाउस नंबर 12 था जो, वो कोई घर नहीं था बल्कि वो क्या था, बर्नड आउट सेल, एक जली हुई झोपड़ी थी, एक जली हुई झोपड़ी में वो टर्नड हो चुका था, मतलब बदल चुका था। द रूफ गैपिंग, जो छत थी उसमें बड़े बड़े होल थे, द विंडोज बोर्ड अप, जो खिड़कियां थी वो बंद पड़ी थी, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मतलब वो तो बंद पड़ा था घर, बिल्कुल जला हुआ था। अब वो अगले घर पर नॉक करता है एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिज मैकपर्सन, वो अगले घर में जाकर दरवाजा खटखटाता है और किसके बारे में पूछता है कि कोई यहाँ पर मिसिज मैकपर्सन के बारे में जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, मतलब अगले घर में से आगे से आवाज़ आती है, एक ओल्ड मैन कहता कि हाँ ही न्यू हर वेल, हम उसे मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ए लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी सी बूढ़ी औरत है, ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड, मतलब कुछ बुड़बुड़ाती रहती है, मतलब अब देखो उसकी एज कितनी है, 101 ईयर्स की वो हो चुकी है, तो इस टाइम में थोड़ा सा बुड़बुड़ाना हो जाता है, ए बिट मडल्ड हेडेड, बट एट हर एज सी वाज इंटाइटल्ड टू बी वाज नॉट सी, मतलब लेकिन उसकी एज को देखते हुए ये उसमें बुरी आदत नहीं कही जा सकती, 101 ईयर्स ओल्ड, 101 वर्ष की वो थी, सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब उसका ये घर जला था, जब घर में आग लगी थी तो वो घर के अंदर ही थी, नो वन रियली नो, ये कोई भी नहीं जानता, नो वन रियली नो, वास्तव में ये सच्चाई तो ये कि कोई नहीं जानता, द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे लगी थी उसके घर में, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये किससे लगी होगी, मोमबत्ती कैंडल्स से लगी होगी, सी यूज कैंडल्स, क्योंकि वो कैंडल्स यूज करती थी घर में रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो बिजली यूज नहीं करती थी, बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो सोचती थी हमेशा ये कहती थी कि इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली बहुत महंगी है, द फायर मैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और समय रहते मतलब लास्ट में बिल्कुल फायरमैन ने उसे घर से बाहर जलते हुए घर से निकाल लिया था, सी वाज इन ए नर्सिंग होम, और अब वो कहाँ पर है, एक नर्सिंग होम में है, ही टोल्ड मी, उस व्यक्ति ने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस, और कहाँ पर थी वो, अब बर्लिंगटन हाउस में थी, ऑन द डोरचेस्टर, ये कहाँ पर था, डोरचेस्टर रोड पर था बर्लिंगटन हाउस, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, शहर की दूसरी तरफ, अब वो वहीं पर जाता है, और नैरेटर वहाँ जाता है, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस, वो कहता है मैं बर्लिंगटन हाउस गया, नर्सिंग होम, इजली इनफ, देयर वर पेपर चेंज अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप साइडेड एंगल ऑन टॉप, अब वहाँ पर जब वो जाता है तो क्रिसमस की तैयारी थी हर जगह पर, ट्रीज वगैरह मतलब पेपर चैन लगी हुई थी और लाइटेड वगैरह लगी हुई थी, आई सेड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, अब मैं उस वहाँ पर जाकर बोलता हूँ कि मैं मिसिज मैकपर्सन से मिलने आया हूँ, उनका एक फ्रेंड हूँ और क्रिसमस प्रेजेंट मुझे देना है, क्रिसमस का गिफ्ट देना है मुझे उन्हें, आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, अब मैं देख सकता था कि वहाँ डाइनिंग रूम में हर किसी ने क्या पहन रखा था, एक पेपर हैट डाल रखी थी और सिंगिंग और गा रहे थे, द मैटर्न हैड ए हैट ऑन टू, मैटर्न के पास भी एक हैट थी, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, वो भी देखकर मुझे भी बहुत खुश हुई, सी इवन ऑफर्ड मी ए मिंग पाइप, सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ चली, कौन मैटर्न उसके साथ चलती है कॉरिडोर में, मिसिज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, और वो बताती है कि मिसिज मैकपर्सन दूसरों के साथ मतलब यहाँ पर नहीं है, सी टोल्ड मी, मिस जो मैटर्न थी वो उसे बताती है कि मिसिज मैकपर्सन यहाँ पर नहीं है, सी इज रादर कन्फ्यूज टूडे, क्योंकि आज वो बहुत कन्फ्यूज थी इसलिए उसे यहाँ पर नहीं रखा गया, उसके बेस्ट के लिए, उसके अच्छे के लिए, इफ सी हैड ए गुड रेस्ट, उसके लिए यही बेटर था कि वो रेस्ट करे, इसलिए उसे अलग रखा गया है, सी हैज नो फैमिली, यू नो तुम जानते हो कि उसके पास कोई परिवार नहीं है, नो वन विजिट, इसलिए उसके पास उससे कोई मिलने भी नहीं आता है, सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी, इसलिए मैं सोचती हूँ, ये कौन बोल रही है, मैटर्न बोल रही है कि मैं सोचती हूँ वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, सी टुक मी इनटू ए
कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। अब वो मुझे कहाँ छोड़ के आई, कंजर्वेटरी में छोड़ के आई, मतलब अलग से स्थान पे छोड़ के आई जहाँ पर विकर चेयर थी और वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी, प्लांट्स वगैरह थे वहाँ पर। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, कहाँ पर एक बूढ़ी औरत वहाँ पर व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और जो उसके हाथ थे वो उसने अपने गोद में रखे हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके कैसे बाल थे, उसके चांदी के जैसे सिल्वर जैसे बाल थे। पिंड इन टू ए विस्पी बिन विस्पी बन, और उनका एक चूड़ा बनाया हुआ था पिन लगा के। सी वाज गेजिंग आउट द गार्डन, और किसकी तरफ देख रही थी, लगातार गार्डन की तरफ बाहर की तरफ देख रही थी, प्लांट्स को वो देख रही थी, जो प्लांट्स थे उसके चारों तरफ उनको वो देख रही थी। और विस्पी बन उसका क्या होता, सी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हाय। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, मतलब वो मुड़ी मेरी तरफ, वो लगातार ऐसे खाली सी आंखों से देखती रही, जैसे वो उसको जानती तो नहीं थी, पहचाना नहीं उसने उसको ऐसा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने उसको बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, मैं बोलता गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, अब जब मैं बोल रहा था तब वो मेरी तरफ ऐसे लग रहा था कि घूर रही थी, जैसे मतलब उसने पलके भी नहीं उठाई, ऐसे लगातार वो मेरी तरफ देखती रही। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स जो बॉक्स था जिसमें लेटर था मैंने वो खोला। एंड गेव इट टू हर, उस लेटर को मैंने उस औरत को दे दिया, कोनी को दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, और दैट वॉज द मोमेंट, ये ऐसा मोमेंट था कि उसकी आंखें लिट अप, मीन्स यहाँ पर है कि वो एक्साइटेड हो गई, खुश हुई बहुत, जैसे उसकी आंखें जल उठी, वैसे लिट अप होता है जल उठना, उसकी आंखें मतलब एक्साइटेड हो गई वो उसको देखने के लिए। विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पर अब क्या थी, खुशी थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझे लेटर कैसे मिला, कि मैंने एक डेस्क खरीदा था, अबाउट हाउ हैड आई हैड फाउंड इट, मुझे किस प्रकार ये लेटर मिला। बट आई डोंट थिंक सी वाज लिसनिंग, बट मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही थी। फॉर ए वाइल सी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उसने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन वो बड़े प्यार से ना लेटर को सहलाती रही अपने उंगलियों से। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो उठी और मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, मेरा हाथ मीन्स नैरेटर का, जो हमें जो लेटर पढ़ रहा था, पहले लेटर के बारे में बता रहा था, और अब लेटर को वो किसको देने गया है, कोनी को, कोनी मैकपर्सन को वो लेटर देने गया है। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखें जैसे उसकी आंखों में पानी भराए, आंसू भराए। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, और वो उसे क्या समझ बैठते, उसे जिम मान रही है, इसलिए वो कहती है उसे कि मुझे पता था कि तुम क्रिसमस पर घर जरूर आओगे। सी सेड एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम मेरे लिए ये क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट संसार में लेके आए हो। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, नज़दीक आओ जिम और यहाँ पर बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके सामने बैठ गया। एंड सी किस माई चीक, और उसने मेरे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारे लेटर पढ़ती रहती हूँ जिम, एवरी डे, डेली पढ़ती थी मैं। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और लेटर पढ़कर मुझे ये लगता था कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये लेटर, तुम्हारे लेटर मुझे हमेशा ये फील करते थे कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम आज तुम मेरे सामने हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, और मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुन पा रही हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और हम साथ बैठकर क्या पियेंगे, चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जिपेन ऑल अराउंड, और मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, क्रिसमस केक बनाया है, और मुझे पता है तुम्हें मार्जिपियन बहुत पसंद है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपियन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपियन कितना अच्छा लगता है, मतलब जो केक पे डाला जाता है, किसका बना होता है, अंडे वगैरह और चॉकलेट से, और जो आमंड्स से बनता है मार्जिपियन। ये था हमारा चैप्टर। अब देखो वो उसे क्या समझती है, वो उसे जिम समझ लेती है, लेकिन नैरेटर उसे खुश करने के लिए वो अपनी आइडेंटिटी उसे बताता नहीं है कि वो कौन है। तो ये कहानी हमें क्या दिखाती है कि जो वार है ये हमें एक मोरल भी कन्वे करती है,
वैसे तो इसमें ये दिखाया गया है कि ये उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट था क्रिसमस का जो लेटर था, और इसमें ये जो स्टोरी है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये हमारे सामने एक मोरल भी कन्वे करती है। मोरल क्या कन्वे करती है कि जो वॉर और फाइट है, जो युद्ध और लड़ाई है, ओनली ब्रिंग सैडनेस, वो हमेशा दुख ही लेके आते हैं, एंड ह्यूमिलिटेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, संसार में उदासी ही फैलाते हैं। वन शुड जनरली फॉलो द पथ ऑफ पीस, हमेशा हमें किसका रास्ता अपनाना चाहिए, शांति का रास्ता हमें अपनाना चाहिए, किसके लिए, फॉर अटेनिंग हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। दिस वुड बी द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट ऑफ कोर्स, और अगर शांति होगी तो ये सबसे बेस्ट क्रिसमस का गिफ्ट होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको लेसन समझ आया, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।